हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपके सारे ही पेट एनिमल अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं कबूतर दाना लेके आ चुका हूँ और इन्हें है ना हम बाहर दाना डालेंगे, अंदर दाना नहीं डालेंगे, क्योंकि यार अंदर देखिए कितनी सारी गंदगी हो रही है, पूरे में है ना गंदगी गंदगी हो रही है। तो इनको है ना हम बाहर दाना डालेंगे। और आज है ना हमें एक काम भी करना है। आज सोच रहा हूँ क्या काम करना है यार हमें, जो कि हमारा मास्टर केज है ना, उनके जो हमारे एंगल रह गए हैं कुछ, उनको पेंट करना है। और मैं सामान दिखाऊं क्या सामान लेके आया हूं, और जाली भी है तो उसको भी पेंट करेंगे हो सकेगा तो, नहीं तो जाली है ना हम लगाने के बाद पेंट कर देंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आज है ना हमें एंगल को तो पेंट करना ही करना है। तो और सामान लाया हूं वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करता हूं यार, इनको जल्दी से बाहर निकालता हूं यहां से खोल के, और दाना वाना डालते हैं। आया आ आ आ, देखिए धूप भी आ चुकी है अच्छी खासी। देखिए सारे सारे कबूतर बाहर आ गए। दाएं से पानी ले गया, पानी ले जाना, मतलब ये ढक्का ढक्कन इनका, और पानी भर के लेके आना। और मुर्गी ने यहाँ फिर से पानी फेंक दिया, हमने भर दिया था कल भी, फिर से फेंक दिया उसने, पता नहीं क्या कर रही है। तो यहाँ पे और दाना डालते हैं जल्दी से, पूरा दाना डालता हूँ यार। अया आ आ, यहाँ पर डल चुका है दाना इनका सब में, देखिए पूरे में दाना डल चुका है। और यहाँ पे सब ठीक है, अंडे भी ठीक है, और यहाँ पे सब दाना वाना खा रहा है अभी। तो दाएँ जल्दी से पानी भर के लेके आ रहा है जब तक। हाँ भाई, दाएँ पानी भरने गया है जब तक। और यहाँ पे देखिए मुर्गी का बोल ढक्कन भी ले गया है। मुर्गी है ना रोज़ रोज़ पानी फेंक दे रही है, पता नहीं क्या है। आया फिर ले आते हैं, थोड़ा सा दाना भी डाल देते हैं। रोटी रोटी डाली मैंने अभी, सिर्फ दाना नहीं डाला है, तो दाना भी डाल देता हूँ जल्दी से। लो लो, तो यहाँ पर दाना भी डल गया है। अब यहाँ पर ढक्कन को लगा देता हूँ, ये लग गया ढक्कन। और यहाँ पर ये पड़ी हुई है ब्लेड, तो इस ब्लेड को उठा के मैंने यहाँ रखा था यार, लेकिन उड़ कैसे गई मुझे पता नहीं। हवा इतनी तेज चल रही है यार आजकल कि ब्लेड उड़ जा रही है। अच्छा है हमारे वो टीन शेड नहीं करवाया हमने इसके ऊपर, अगर हम इसके ऊपर टीन शेड करवा देना तो वो उड़ जाता अब तक। तो अच्छा है हमने पक्का छत करवा लिया, तो ये काफ़ी बेहतर है यार टीन शेड से तो। और यहाँ पर मेरे हिसाब से सारे कबूतर आ चुके हैं अभी तक इन्हें, लेकिन एक ही अंडा दिया है हमारे जो मोटे कबूतर हैं, उन्होंने एक ही अंडा दिया है। और यहाँ पे इनके दोनों अंडे, इनके दोनों अंडे, इनके दोनों अंडे, इनके भी दोनों अंडे हैं, लेकिन ये पन्नी उड़ रही है ना तो इससे इनक्यूबेट नहीं कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसा टेप लगा देंगे, ये देखिए हाँ। और यहाँ पे तो गोल गोल है ना, हम घास का है ना नेस्ट भी बना देंगे जिससे अच्छे से इनक्यूबेट कर सके। तो यहाँ पे है ना सबको यहाँ पे दाना माना खाने देते हैं, और उस वाले बच्चे को भी हम दाना खिला देंगे, दाना खिला देगा। और जब तक मैं करता हूँ यार बतख को हमारे नीचे छोड़ के आता हूँ, डक्स को है ना नीचे छोड़ के आता हूँ, अगर अंडा दिया हो तो अंडा भी उठा लूँगा, और हमारी मुर्गी को भी नीचे छोड़ के आता हूँ। तो दोस्तों फाइनली है ना मैं हमारे डक्स को और हमारी मुर्गी को नीचे छोड़ के आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने सामान भी रख लिया है, यहाँ पे कुछ सामान लाया हूँ मैं अभी आपको, ये बाद में दिखाऊंगा। कलर अकेले निकाल लेता हूँ, और एक बॉटल, और बाकी सामान को हम रख देते हैं इसके अंदर। और ब्रश को भी निकाल लेते हैं अभी, यहाँ पे ब्रश को भी निकाल लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, हमारे कुछ एंगल देगा ना इसको पेंट करना है। और ये जाली का बंडल आया है देखिए, ये वाला, तो इसको हमें ना क्या करेंगे यार बाद में पेंट कर लेंगे। देखिए ये 20 फीट का बंडल है और 3 फीट ऊंचा है, तो मैं इसे है ना अभी खरीद कर आया हूँ मार्केट से। तो ये वाला बंडल है, तो मैंने आपको बता दिया 3 फीट ऐसे में और 20 फीट इसकी लंबाई है। तो इसको है ना बाद में पेंट करेंगे, टुकड़ों में काट के पेंट कर लेंगे, या फिर हम अलग से ही पेंट करेंगे इसे। जल्दी जल्दी इसके करता हूँ यार मैं, हमारे एंगल को पेंट करना शुरू करता हूँ, जल्दी से पूरे एंगल पेंट कर लेता हूँ।
दोस्तों फाइनली है ना काफी ज्यादा मेहनत के बाद है ना हमारे पूरे एंगल है ना पेंट हो चुके हैं, और ये वाला है ना हम हल्का ग्रीन लाए मतलब है ना लाइट ग्रीन लाए, और वो वाला देखिए डार्क ग्रीन रखा है हमारे अंदर रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा जो हमने पहले वाले एंगल को पेंट किया था। लेकिन अगर ये हमें यूज में आए तो हम कर लेंगे, नहीं तो है ना इन्हें नहीं करेंगे, वो तो हमने पोत लिए हैं बस। और यहाँ पे हम जाली देखिए इस तरह से पेंट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का कलर करा है मैंने यहाँ पे, इस तरह से पूरी जाली करेंगे। लेकिन है ना अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बस ये आगे हो पाई, अगर हम करते अभी तो अंदर नहीं हो पाती, तो इसे है ना हम खोल के और फिर बाद में करेंगे, जब कस देंगे उसके बाद ही करेंगे यार हम। तो यहाँ पे हमने ये वाली जाली लेके आए, तो इसको रख देते हैं हम यहाँ पे, और हम कुछ सामान लेके आए देखना यहाँ पे, ध्यान खाली करना इसके अंदर। ये देखिए ये वाली स्क्रू अलग लेके आए हम इस बार थोड़ा सामान। ये देखिए जो ये नट लाए थे हम कसने के लिए, ये वही नट है, और ये रहे हमारे कीले जो ठोकने के लिए लाए हम, बस यही सामान लाए। और वाशर माशर तो हमारे पास पहले के रखे हैं, तो यहाँ पे इसको खाली नहीं करते यार, इसको कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना ये कीले हैं, और ये हैं यार इसे पता नहीं स्क्रू बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इससे स्क्रू कसने वाले, इसका हम दीवार में कस देंगे यार, वो गुल्ली ठोक के अंदर दीवार के जैसे हमने ऊपर करा था ना वैसे ही बिल्कुल सेम। और यहाँ से ये है ना कीले एक कहीं कहीं जगह पे हम ठोक देंगे, तो यहाँ पे इस तरह से लगेगी, सही लग रहा है। हाँ सेट बैठेगा है ना, ढीला तो नहीं रहेगा ना, सही है। और क्या ऐसे ही करेंगे यार हम पूरे में। तो ये हम सामान लेके आए देखिए इतना, और हमने एंगलों को तो पेंट कर लिया, लेकिन काफ़ी मेहनत लग गई यार। और रोज़े में तो यार आपको पता है कितनी दिक्कत होती है, और हाथों की हालत देखिए पूरे वाइट हो जाते हैं यार पोतने के बाद क्या। तो यहाँ पे इसको है ना नीचे से पूरा गंदा हो रहा होगा ग्रीन, और यहाँ पे ये तेल बच गया, इसे अंदर रख देते हैं जल्दी से, और मैं आपको दिखाता हूँ कौन से एंगल थे। और ये देखिए यहाँ पे ये वाले एंगल से, तो अब है ना हम कल से या परसों से काम लगाएंगे यार, क्योंकि थक गए हैं, परसों से काम लगाएंगे हम मास्टर केज का छेद में करने का। तो सामान यही था अब, और ये रखा है इसको अंदर ले चलना आराम से, और इसको भी अंदर रख देते हैं अपन, उठ रही है ना बताओ मेरे, चलो यहाँ पे जाली को भी अंदर रख देते हैं अभी यहाँ पे, और यहाँ पे है ना ब्रश को भी यहाँ पर रख देते हैं। और हमारा ये स्टोर रूम बन गया यार पूरा, यहाँ पे सामान है ना पूरा स्टोर कर रखा है हमने देखिए, अब जब तक काम नहीं होगा तो यहीं पे सामान रखा रहेगा, फिर हमें कुछ और बनाना है यहाँ पे, मैं आपको बताऊँगा बाद में हमें क्या बनाना है यहाँ पे। तो अभी तो यहाँ पे सामान मामा रख देते हैं थोड़ा बहुत, और यहाँ पे हमें मुर्गी भी आके अपने आप बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे हम चलते हैं यार ऊपर कबूतरों को दाना वाना डालने। तो दोस्तों यहाँ से है ना हम ऊपर आ चुके हैं, और अब कबूतरों को खोल लेते हैं, हटना यहाँ से देखिए, आ जाओ देखिए सारे कबूतर आ गए, और एक गेट लगने लगा यार, इस गेट को यहाँ से दाने लगा देते हैं केन, और यहाँ से फर्स्ट डालते हैं दाना लो, और यहाँ से डाल देते हैं कुछ मिक्स दाना डाल दे रहा है यार लो, देखिए पूरा दाना डाल दिया है, और कुछ कबूतर अंदर अंडों को इनक्यूबेट कर रहा है अंदर ही है अभी, और यहाँ से दाने से उसको भी खाना खिला देना अभी वो बच्चे को। तो यहाँ से है ना काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं यार आज तो, सच बता रहा हूँ। ये देखिए सबको यहाँ दाना मान डाल दिया है, और यहाँ पे इन्हें देखिए माशाल्लाह अपना दूसरा अंडा भी दे दिया है यहाँ पे। और ये दानिश ये पानी भर के लाना, ये पानी ले आना, और मुर्गी का ही भरना है यार हारिस, ये मुर्गी का तो यहाँ मैं निकालता हूँ मुर्गी का, ये यहीं है क्या, कहाँ पे रह गया यार, ये निकल गया, अरे ये लो हर चीज़ ले आना, एक एक दानिश फैला है, एक तू ले आना, ये यहाँ से लगा देते हैं, 10 हो गए 10। यहाँ पे इसको भी मैंने कवर कर दिया है पूरा, और कबूतर कुछ कुछ बाहर नहीं आ रहा है यार, तो आ जाएंगे लो लो, आ आ आओ आ, ऐसे मत कर ऐसे मत कर, डर जाएंगे यार वो, आओ। तो यहाँ पे यार कबूतर आते रहेंगे, और हमें ना ये वाला सामान लाए थे आज है ना जो हमने यहाँ पे लगाया था, लेकिन यहाँ पे आपने देखे होंगे हमने बड़े वाले हैं ना ये कस दिया है, क्या बोलते हैं इससे अपन, ये वाशर बोलते हैं, हाँ वाशर वाशर बड़े वाले लगा दिए, लेकिन इस दफ़ा है ना मैं देखिए छोटे वाले लाया हूँ वाशर, ये देखिए इतने छोटे छोटे, तो ये सही काम देंगे यार, टाइट भी ज़्यादा होंगे ये, और दाना डाल देता हूँ जल्दी जल्दी, इसमें क्योंकि खा लिया है उन्हें दाना लगता है, नहीं यार पड़ा है बहुत दाना अभी तो लो, और पूरे फैला कर डाल दिया है मैंने इससे और अच्छे से रहे, और यहाँ से कुछ कबूतर अंदर ही यहाँ से हट जाओ खुद ही जाएंगे बाहर, इधर से हटना आ जाओ
आ आ वो अपन को देख के नहीं आ रहा है बस। आओ आ आ, आ ये देखिए यार शुरू हो गया। और ये जा रहा है जंगली कबूतर एक, और अभी यहाँ पे बैठा था एक जंगली कबूतर, और इनकी पूंछ भी देखिए आना शुरू हो गई धीरे धीरे, पूरी आ जाएगी, फीमेल की नहीं आई है, मेल की आना शुरू हो गई। देखिए एक साइड के ऊपर आ गए हैं और एक साइड के ऊपर रहते हैं कुछ। और यहाँ पे ढक्कन लगा देता हूँ, बस इतने दाना डालेंगे अपन। अभी ने दाना तो काफ़ी डाल दिया हमने ने, और अभी भी डाला था हमने। और यहाँ पे सब देख लेता हूँ एक बार अच्छे से है या नहीं। अंडे से बाहर बच्चे को, अंडे को इनक्यूबेट कर रहा है यार ये तो अभी तक। चलो दाना खा लो फिर इनक्यूबेट करना। सब कबूतर बाहर निकल चुके हैं, मैंने सबको बाहर निकाल दिया है, और सामान भी ले आए हमने, एंगल को भी पेंट कर लिया है। अब दाना शहर वहाँ पर देखिए धो के सबको भर के ला रहा है, तो पानी भी रख देंगे और पानी वानी पिला के इन्हें थोड़ा घुमा घुमा के इन्हें बंद भी कर देंगे। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई ना वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो दोस्तों आज हमने क्या किया यार, इंगल को है ना हमने पेंट कर लिया, और पूरी जाली है ना पेंट नहीं कर पाए हम, क्योंकि यार जाली को है ना रोल बना हुआ है उसे खोलना पड़ेगा फिर पेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यार, जब है ना कसा जाएगी ना उसके बाद है ना हम पेंट कर लेंगे। तो यार हमने क्या करा आज है ना बस इंगल को पेंट किया। तो मिलते हैं किसी ना इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।